पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर दावा किया है कि इंडी गठबंधन 2024 लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करेगा। इंडी गठबंधन केंद्र में सत्ता आएगी। उनका दावा है कि भाजपा इस बार 200 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस और सीपीएम पर आरोप लगाया कि राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए राज्य में भाजपा के साथ दोनों पार्टियों ने साठगांठ कर लिया है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वो टीएमसी के अलावा किसी और को वोट ना दें, क्योंकि इससे सिर्फ भाजपा को ही फायदा होगा। आरामबाग लोकसभा क्षेत्र के गोघाट में बनर्जी ने शनिवार को एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने गठबंधन का नाम इंडिया सुझाया था। राष्ट्रीय स्तर पर हम मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं। इंडी गठबंधन को सत्ता में लाने के लिए हम अपनी भूमिका निभाएंगे। इस चुनाव में भाजपा धूल चाटेगी। भाजपा 200 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में सीपीएम, कांग्रेस और अन्य दलों ने टीएमसी को बदनाम करने के लिए भाजपा से हाथ मिला लिया है। टीएमसी सुप्रीमो ने कहा कि वाम शासन के दौरान घोघाट और सिहार जैसी जगहों पर सामूहिक हत्याएं की गई। उन्होंने दावा किया कि तत्कालीन विपक्ष की भूमिका में हमने अपने जान की बाजी लगाई और मार्क्सवादी आतंक का सामना किया। मैं बंगाल में सीपीएम का असली चेहरा जानती हूं। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने बंगाल विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता अपना प्यार दिखाने के लिए विज्ञापन छाप रहे हैं, लेकिन राज्य में लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाजपा के दिग्गज नेता हमारे लोकाचार और भावनाओं को कभी नहीं समझेंगे। उन्होंने मतदाताओं और सुरक्षा कर्मियों से सतर्क रहने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मंदिर में कुछ मूर्तियां हटाने और ध्रुवीकरण के मुद्दे पर वोट पाने के लिए भाजपा दंगे करा सकती है। उन्होंने भी पीएम मोदी पर संविधान को बदलने का प्रयास का आरोप लगाया। बनर्जी ने वादा किया कि आम चुनाव के बाद इंडी गठबंधन के सत्ता में आने पर सीएए और एनआरसी को खत्म करने के उपाय किए जाएंगे।